सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वायवो वान्ति, सर्वसत्ये प्रतिष्ठिता। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर स्वच्छता में चार बार नंबर वन आने के साथ साथ एजुकेशन हब और फूड कैपिटल जैसी अनेक प्रसिद्धियों की वजह से प्रदेश सहित देश में अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए है। मां अहिल्या की नगरी इंदौर ने प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काफी नाम कमाया है। कई बार असामाजिक तत्वों के कारण तो कई बार बुराई की प्रबलता के कारण सच और धर्म की आवाज को दबने पर तो कभी जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए पत्रकार को सच की आवाज बनना पड़ता है। और यह बेहद खुशी और गर्व की बात है कि आज खबर 100 को आपके सहयोग और आशीर्वाद से 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। आप सभी लोगों के सहयोग की ताकत है कि खबर 100 अपने 2 साल के सफर में कभी सच की आवाज को बुलंद करने से और झूठ का पर्दाफाश करने से पीछे नहीं हटा। आइए जानते हैं खबर 100 के सफर को डायरेक्टर नितिन बर्फा की जुबानी। जनता के प्यार और साथ से खबर 100 ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने 2 वर्ष पूर्ण किए। सिर्फ खबर दिखाना ही हमारा उद्देश्य नहीं, जनता की आवाज बनना हमारा लक्ष्य है। आप यूं ही हम पर भरोसा बनाए रखिए और हम आपके हर मुद्दे को आवाज देने को तत्पर रहेंगे। ये खबर 100 का वादा है कि जनता से जुड़े हर मुद्दे को न सिर्फ जन जन तक पहुंचाएंगे बल्कि उसका समाधान करवाने की हर संभव कोशिश करेंगे। धन्यवाद। खबर 100 एक अखंडित परिवार है। इसमें हर साथी हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान है। खबर 100 परिवार का हर सदस्य अपना दायित्व पूरी शिद्दत और लगन से निभाता है। अपने साथियों और समाज के लिए हर वक्त खड़ा रहता है। इसलिए खबर 100 एक संस्थान से बढ़कर परिवार बन अपने साथियों के दिलों में बसता है। खबर 100 की जर्नी के साथ अपने कदम मिलाते हुए मुझे लगभग 1.5 साल हो गए हैं। इन 1.5 सालों में हमने जो काम करने का तरीका देखा है, सीखा है, या हम जिस तरह से काम करते हैं वो शायद बाकी मीडिया संस्थान से थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी खबरों पर काम किया है, जितने भी मुद्दों को उठाया है, वो मुद्दे हैं जिन पर हमें कई बार रुकने को कहा गया, कई बार हमें पीछे हटने को कहा गया। लेकिन हमारे डायरेक्टर कभी भी नहीं चाहते थे कि हम ऐसा करें, क्योंकि उन्होंने जब खबर 100 की नींव रखी तो एक ही उद्देश्य के साथ नींव रखी थी कि हम कभी भी रुकेंगे नहीं और हम कभी भी झुकेंगे नहीं। इसी के साथ हमारी टीम दिन रात लगी होती है, मेहनत करती है। एक खबर जब हमारे पास आती है उसको वहाँ से लेकर आप तक पहुँचाने में एक कुछ मिनटों का समय लगता है हमें। वो मिनट कभी कभी 5 मिनट से लेकर 50 मिनट तक का समय हो सकता है, लेकिन उस बीच में ये तय करना कि उस खबर को किस तरह से आप तक पहुँचाना है, उसकी हकीकत आपके जीवन पर कितना असर डाल सकती है, ये भी एक अहम चुनौती होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ी चुनौती ये होती है मेरी पूरी टीम के लिए, जो मुझसे ज़्यादा काम करती है, मुझसे ज़्यादा डेडिकेटेड है इस काम को करने के लिए। क्योंकि जो एक उद्देश्य हमको दिया है हमारे डायरेक्टर ने, नितिन बर्फा जी ने, वो उद्देश्य यही है कि हमारी आवाज़ दबना नहीं चाहिए। और कई बार इस पूरे 1.5 साल के सफ़र में जब मैं खबर 100 से जुड़ी हूँ और मैं काम कर रही हूँ खबर के लिए, ऐसा कई बार हुआ कि हमें झुकने को रुकने को कहा गया। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया गया था, हमें कई खबरों को दबाने को कहा गया, लेकिन हम कभी रुके नहीं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर उस आवाज़ को बुलंद करें जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है और अत्याचारियों को उनका सबक जरूर सिखाएं। 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चैनल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े जनप्रतिनिधियों सहित सहयोगियों ने अपना अनुभव साझा किया है और साथ ही चैनल के उज्जवल भविष्य के लिए बधाई दी। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है, खबर 100 ने
अपने 2 साल पूर्ण करके अपनी प्रखरता, अपने तीखेपन, पेनेपन के माध्यम से जनता तक हर प्रदेश को देश के आगे बढ़ने के लिए संदेश को पहुंचाया और हर बात को निष्पक्ष रूप से जनता तक पहुंचाकर उन सब के इच्छा के अनुरूप आपने काम करके बहुत नाम कमाया। मैं अपनी तरफ से खबर 100 को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला वर्ष उनके लिए और ज़्यादा मंगलमय और ज़्यादा तरक्की वाला हो। खबर 100 चैनल के 2 साल पूरे हो रहे हैं, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबर 100 न्यूज चैनल को सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने पे मैं अपनी ओर से, परिवार की ओर से एवं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि और तरक्की करे चैनल। और न्यूज़ चैनल के सभी पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन करूँगा कि जो सच है वो जनता के सामने लाएं, सच का साथ दें। हमारी तो हमारे देश की मान्यता है कि सच की पराजय कभी नहीं होती, इसलिए मीडिया को चौथा स्तंभ किया माना गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि खबर 100 सफलतम कार्य करेगा। आज खबर 100 चैनल के 2 साल पूरे होने पर मैं चैनल को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है मीडिया की और ख़ास तौर पर चैनल्स की, तो इस भूमिका का बहुत प्रभावी निर्वहन इसके द्वारा जैसा किया जाता रहा है आगे भी किया जाता रहे और लोकतंत्र को सशक्त करने की दिशा में लगातार इस चैनल के द्वारा प्रयास होता रहे, ऐसी मेरी कामना है। एक बार फिर से मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। खबर 100 का उद्देश्य है हर उस आवाज को बुलंद करना जो शोषित और दबाई गई हो, हर उस सच्चाई को उजागर करना जो बुराइयों के कारण दब गई हो, और सबसे जरूरी बिना डरे पूरे साहस के साथ सच के लिए लड़ते रहना। इन 2 वर्षों में खबर 100 परिवार आप सभी साथियों के सहयोग से यह करता आया है और आपके आशीर्वाद व सहयोग से आगे भी इसी तरह पूरी निष्ठा से सच के लिए जंग जारी रखेगा।